हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स, है ना। दिस लेक्चर कवर्स फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट, डिफिनेशन ऑफ टोर्सन, व्हाट इज टोर्सन, एंड सेकंड, ट्विस्टिंग, डिफिनेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट होता क्या है। थर्ड है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जिसे हम आईपी एंड जे से भी डिनोट करते हैं। अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग नोटेशन है, किसी में आईपी से दिखाया जाता है तो किसी में जे से दिखाया जाता है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज टोर्सन फार्मूला। तो ये जो टॉपिक्स है वो बिलोंग्स करता है थर्ड सेम सिविल इंजीनियरिंग, चाहे वो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के हो या फिर बीटेक से हो। तो ये जीयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये थर्ड सेम का सोम या मोस में आते हैं, जो सिविल मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट्स, दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम लाइक SSC जेई, RRB जेई एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स जो फॉर सिविल इंजीनियरिंग के जो कंडक्ट होते हैं, उसमें इससे रिलेटेड फार्मूलाज एंड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि टोर्सन क्या होता है। तो टोर्सन क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चरल मेंबर में कोई कपल अप्लाई किया जाता है ना, तो उसके कारण जो मेंबर में, स्ट्रक्चरल मेंबर में जो ट्विस्टिंग होता है, दैट मीन्स ये जो ट्विस्टिंग हो गया है ना, ये जो ट्विस्टिंग हो गया, उस ट्विस्टिंग को जो है टोर्सन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये टर्निंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट होता क्या है। तो ऐसा है कि जब किसी शाफ्ट, है ना, जब किसी शाफ्ट के रिम पर या फिर कोई कीड पॉइंट होगा जहाँ पे हम टर्निंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टर्निंग फोर्स एंड एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट क्या है, ये है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर, ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्निंग फोर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टर्निंग फोर्स, यहाँ पे लगाया गया टर्निंग फोर्स, एंड द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टर्निंग फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कहलाता है ट्विस्टिंग मोमेंट या टर्निंग मोमेंट। दैट मीन्स टी बराबर, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा ये आर इंटू टर्निंग फोर्स, टर्निंग फोर्स, फोर्स को एक को दिखा, एफ से दिखाते हैं तो यहाँ भी ऐसे ही दिखाएंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टर्निंग फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हम नेक्स्ट जो है टोर्सन फार्मूला उसे हम ड्राइव करें। थर्ड हम जानेंगे कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया में पढ़ चुके हैं कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो हो जाएगा IX प्लस IY का सम हो जाएगा। तो जो IX होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट X इक्वल्स टू होता है πD4/64 एंड IY जो होता है वो होता है, वो भी होता है πD4/64। ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, इसका जब ट्वाइस कर देंगे, है ना, तो ट्वाइस मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πD4/32। ये हो गया हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। बट अगर होलो सर्कुलर सेक्शन रहेगा, फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन, उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या हो जाएगा, तो IP बराबर हो जाएगा πD आउटर का होल फोर माइनस डी इनर का होल फोर बाय 32। ये हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, होलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वेटेड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज टोर्सन फार्मूला। तो चलिए हम टोर्सन फार्मूला को बहुत ही
आसानी से और इजी वे में ड्राइव करते हैं। होता क्या है, तो आपको याद होगा कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें इस चीज़ की इस चीज़ को हम यूज करेंगे, आर रेडियस का है और ये जो आर्क है वो एल लेंथ का है, और यहाँ पे जो थीटा एंगल जो फॉर्म वो थीटा हो गया, तो हमें पता है कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे, सीयर स्ट्रेन बराबर क्या होता है, सीयर स्ट्रेस बट्टा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये दोनों चीज़ का हम जो है इसके डेरिवेशन में यूज़ करेंगे। ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि सीयर स्ट्रेन ये जो फाई है, टाउ सीयर स्ट्रेस एंड जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चलिए हम इसको ना एक रेडियस मानते हैं, उसका सर्कल एक इस तरह से होगा, एक ये छोटी सी जो है आर्क है, ठीक है, तो ए डैश आर्क है और ये इस आर्क से जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो फाई है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा एल बाई आर, दैट मीन्स ए डैश बटा आर। ये चूँकि बहुत ही निग्लिजिबल है, दैट्स वाई ये इंक्लाइन डिस्टेंस और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है लगभग एक समान होगा, तो हम इस लेंथ के जगह पे हम एल लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये हो गया, और अब यहाँ पे देखिए, इस हम सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो ये भी एक सर्कल है, ठीक है, तो थीटा बराबर जो जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एल, दैट मीन्स ये आर क्या है, ए डैश, ये रेडियस, ये शाफ्ट, ये क्रॉस सेक्शन का जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो, ठीक है, तो यहाँ से ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, नाउ फाई बराबर हो जाएगा हमारा ए डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा बाई एल, इक्वेशन वन। एंड सेकेंड, एज वी नो दैट सीयर स्ट्रेन, दैट मीन्स ये सीयर स्ट्रेन बराबर हो जाएगा टाउ बाई जी, इक्वेशन टू। तो फ्रॉम वन एंड टू ये एल एच एस क्या है, सेम थिंग है, दैट्स वाई आर एच एस भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम वन एंड टू आर थीटा बाई एल इक्वल्स टू टाउ बाई जी। इसे हम अगर सुटेबल वे में लिखे तो टाउ बाई आर, आर को इधर लेके चल जाते हैं, इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये जो है, ये टाउ क्या है, सीयर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन दिस फाइबर, आउटर मोस्ट फाइबर, और इसके जस्ट नीचे क्या है, आर है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ दिस फाइबर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। कहने का मतलब कि ये जो सीयर स्ट्रेस जो डेवलप होता है एक्सिस ऑफ द शाफ्ट से जितनी दूरी पर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर कोई इंटरमीडिएट फाइबर पे हमें अगर सीयर स्ट्रेस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे मान लेते हैं टाउ एक्स है, और वो जो इंटरमीडिएट फाइबर है एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, तो वो क्या होगा, जिस प्रकार ये इसके प्रोपोर्शनल है उस प्रकार ये भी जो है शाफ्ट से किस दूरी पे है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमें ध्यान में रखना है कि सीयर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इसे इरेज करके जो है नेक्स्ट प्रोसीड करूँगा मैं। अब ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे अलग से ड्रा करता हूँ, ठीक है, एक बड़ी सी क्रॉस सेक्शन, सॉरी पूरा सर्कल नहीं है,
suppose this is a cross section of the shaft, and at x distance this is a layer of infinitely a small thickness. Let us consider its thickness is dx and total distance is r. ठीक है, तो हमें करना क्या है कि टर्क का क्या अमाउंट होगा वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इस लेयर के कारण, ठीक है, इस लेयर पे क्या टर्क अप्लाई हो रहा है, क्या ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो मैंने बताया था कि ट्विस्टिंग मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस. हमें इस लेयर पे फाइंड आउट करना है जो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, तो टर्क एट फाइबर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट. एंड टर्क बराबर क्या होता है, फोर्स. फोर्स मतलब एफ एक्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है, ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है वो एफ एक्स है. टर्निंग फोर्स जो लग रहा है वो एफ एक्स है. एंड इनटू डिस्टेंस ये एक्स पे है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो टाऊ, ये जो सीयर स्ट्रेस लग रहा है टाऊ एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे लगेगा. तो यहाँ से टाऊ एक्स बाई एक्स इक्वल टू टाऊ बाई आर. तो टाऊ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टाऊ बाई आर इंटू एक्स. ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने जो ड्राइव किया था, तो ये टाऊ एक्स हो गया. ये सीयर स्ट्रेस मुझे मिल गया इस लेयर पे, क्या सीयर स्ट्रेस एक्स डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या सीयर स्ट्रेस डेवलप होगा वो मैंने फाइंड आउट कर लिया. अब हमें करना है फोर्स. तो स्ट्रेस को अगर हम ये इस लेयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो है टर्निंग फोर्स हमें मिल जाएगा. तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर हो जाएगा सीयर स्ट्रेस इंटू डेल ए, इसका जो है एरिया. तो ये जो लेयर है इसे हम अगर ओपन करते हैं तो इस तरह से हमें फाइंड मिलेगा लाइक दैट, जिसका जो जस्ट एज अ रेक्टेंगल हो जाएगा. इसका जो थिकनेस है वो डी एक्स है, एंड लेंथ क्या हो जाएगा, इसकी जो पेरीमीटर होगी एक्स डिस्टेंस पे है तो टू पाई एक्स. ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल ए बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ टू पाई एक्स इंटू डेल एक्स. ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा टाऊ एक्स. टाऊ एक्स हमारा क्या है, टाऊ बाई आर इंटू एक्स. टाऊ बाई आर इंटू एक्स इंटू डेल ए मैंने फाइंड आउट किया टू पाई एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, नाउ टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टॉर्क एट दिस लेयर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू एक्स. एफ एक्स मैंने फाइंड आउट किया ये है टाउ बाई आर इंटू एक्स इंटू टू पाई एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, अब देखिए टू पाई टाउ, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं हम इसे, बाई आर इंटू एक्स. ये तो फोर्स लिखा मैंने, इंटू एक्स भी है ना, इंटू एक्स. तो एक्स कितने टाइम आया, वन टू थ्री, यानी एक्स क्यू डी एक्स. ये हमारा हो गया टी एक्स, यानी कि टर्क या ट्विस्टिंग मोमेंट एट दिस लेयर. अब हमें अगर थ्रू आउट द सेक्शन हमें फाइंड आउट करना हो कि टोटल क्या ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना. टोटल ट्विस्टिंग मोमेंट थ्रू आउट द सेक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमें इन्फिनिटिसिमल स्मॉल लेयर पे जो मिला है मुझे, उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें थ्रू आउट द सेक्शन क्या ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा वो हमें मिल जाएगा. तो क्या है, टू पाई टाउ बाई आर, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं, एक्स क्यू डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, ये जीरो से लेके आर तक, जीरो टू आर इसका करेंगे तो टोटल टर्क बड़ा टी. ठीक है, टू पाई टाउ बाई आर,
एंड ये हो जाएगा एक्स फोर बाई फोर, लिमिट हम ले लेंगे जीरो टू आर। इस प्रकार ये आ जाएगा टू पाई टाउ बाई आर इंटू आर फोर बाई फोर, चूँकि ये जीरो है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया टू पाई टाउ इंटू आर क्यू, सॉरी टू टू या फोर यहाँ पे हो जाएगा, टू कैंसिल आउट हो जाएगा टू, ये टी बराबर हो गया। इसे हम फर्दर सॉल्व करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो ड्राइव करेंगे हम, मेन यहीं तक समझना था। टी बराबर मैंने क्या फाइंड आउट किया, पाई टाव बाई टू इंटू आर क्यू, ठीक है, पाई टाव इसे हम लिखते हैं डी बाई टू का होल क्यू बाई टू, चूँकि आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू होता है, तो ये क्या हो जाएगा पाई टाव डी क्यू, है ना, ये एट हो गया, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि टी बराबर हो गया पाई टाव डी क्यू बाई 32। तो यहाँ से अगर हमें टाव बराबर फाइंड आउट करना हो तो 32 टी बाई पाई डी क्यू, ये हो गया टाउ बराबर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, ये टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, यानी कि टू का क्यू एट हो जाएगा, है ना, तो एट एंड टू मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 टी बाई पाई डी क्यू। तो ये तीन स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमें याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल है, तो टाउ की जगह पे हम ये पुट करेंगे, है ना, तो एक और स्टैंडर्ड फार्मूला जो टॉर्सन फार्मूला कहा जाता है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, टाउ की जगह पे हम 16 टी बाई 16 टी बाई पाई डी क्यू जो है वो हम रखेंगे, ये आर है तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। अब देखिए हुआ क्या, तो ये जो टू है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 टी बाई पाई डी क्यू, नीचे में है, नीचे आ जाएगा, ऑलरेडी नीचे में डी है, तो पाई डी फोर हो जाएगा इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। तो ये हो जाएगा हमारा 32 टी, सॉरी इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, टी बटा पाई डी फोर बाई 32 इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, और ये जो होता है पाई डी फोर बाई 32 इसे हम क्या कहते हैं, आई पी कहते हैं, यानी कि टी बाई आई पी इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। देखिए टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल है, अब हो गया टी बाई आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल, दैट्स वाई ये इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टी बाई आई पी, और ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है हमारा टोर्सन फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो मैंने ड्राइव किया सेमेस्टर एग्ज़ाम में, बीटेक और डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसके जो स्टैंडर्ड फार्मूला वो भी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक यू सो मच।